प्रिय दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में भक्ति रस की परिभाषा की जानकारी उदाहरण सहित दी जा रही है ताकि आप आसानी से समझ सकें। तो चलिए, हम आपको सबसे पहले बता रहे हैं कि भक्ति रस किसे कहते हैं, यानी भक्ति रस की परिभाषा। भक्ति रस का अस्थाई भाव देवरति होता है। भक्ति रस का अस्थाई भाव देवरति होता है। इस रस में ईश्वर की अनुरक्ति और अनुराग का वर्णन होता है, अर्थात इस रस में ईश्वर के प्रति प्रेम का वर्णन किया जाता है, वहाँ भक्ति रस होता है। अब हम आपको भक्ति रस के उदाहरण बता रहे हैं। पहला उदाहरण है, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, मीरा की लगन लागी होनी सो होई, मीरा की लगन लागी होनी सो होई। अब हम आपको अगला उदाहरण बता रहे हैं। जैसा कि हमने एक उदाहरण आपको बता दिया, परिभाषा बता दिया, अब हम आपको अगला उदाहरण बता रहे हैं। कई उदाहरण बता दे रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। उलट नाम जपत जग जाना, उलट नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। यह दोहा हम आपको दूसरा उदाहरण बता दिए, यह दोहा भी इसी का उदाहरण है, यानी भक्ति रस का उदाहरण है। आप जहाँ भी भक्ति से संबंधित जानकारी आपको प्राप्त हो तो वहाँ आप समझ जाइए कि भक्ति रस ही है, इसमें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भक्ति भावना भक्ति रस में ही होती है। अब हम आपको अगला उदाहरण बता रहे हैं भक्ति रस का, एक भरोसो एक बल, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। यहाँ पर तुलसीदास जी भगवान राम के बारे में विवरण दिया गया है, उदाहरण है, इसलिए यहाँ पर भक्ति भावना जागृत होती है। इसलिए उदाहरण भक्ति रस का उदाहरण है। इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ हमारी यह वीडियो समाप्त होती है। अगर हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।